आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। तो आपको कुल मिलाकर ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जय श्री राम से परहेज है, लेकिन उन्हें इफ्तार में जाने से कोई दिक्कत नहीं। कोलकाता में ममता बनर्जी इफ्तार में शामिल हुई। तो दूसरी तरफ आपको ये भी बता दूं कि ममता बनर्जी ने ईवीएम पर सवाल भी उठा दिए और ये कहा कि ईवीएम पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जानी चाहिए। अब ऐसा लग रहा था कि चुनाव के बाद बंगाल शांत हो जाएगा और राजनीतिक हिंसा या तो खत्म हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल के हुगली में आपको बता दूं बीजेपी के विजय जुलूस के दौरान बम से हमला किया गया और इसीलिए 10 बजे की ये बड़ी बहस इसी मुद्दे पर इन सवालों के साथ कि जय श्री राम पर तकरार लेकिन ममता को भाई इफ्तार, तुष्टीकरण की सियासत से बंगाल बचाएंगी ममता बनर्जी, हिंसा के जरिए बंगाल से हार का बदला लेंगी जी, ईवीएम को जनादेश मानने से इंकार, ये लोकतंत्र का अपमान नहीं तो क्या है, वोट बैंक के लिए ममता को हिंदू आस्था का अपमान मंजूर है, ये वो सवाल जो हम पूछेंगे हमारे मेहमानों का जो बड़ा पैनल है हमारे गेस्ट से। लेकिन आपको उससे पहले बता दूं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की तरफ से ट्वीट आया कि टीएमसी ने उनके निजी मोबाइल नंबर को इंटरनेट पर लीक किया। बाबुल सुप्रियो कह रहे हैं कि उनके नंबर पर ममता बनर्जी जिंदाबाद मैसेज भेजने का निर्देश दिया गया है। बाबुल सुप्रियो ने यह भी लिखा गेट वेल सून दीदी। तो सियासत किस कदर गिर चुकी है इसका अंदाजा आप लगाइए कि बीजेपी के सबसे मुखर नेता वेस्ट बंगाल से बाबुल सुप्रियो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके नंबर को टीएमसी की तरफ से इंटरनेट पर लीक कर दिया जाता है और टीएमसी समर्थकों से कहा जाता है कि आप इस नंबर पर ममता बनर्जी जिंदाबाद ये मैसेज भेजिए। जवाब में बाबुल सुप्रियो कह रहे हैं कि गेट वेल सून। तो कई खास मेहमान हमारे साथ, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जयराम विप्लव, आशुतोष मिश्र पॉलिटिकल एनालिस्ट कांग्रेस की तरफ झुकाव, टीएमसी सपोर्टर राहुल चक्रवर्ती हमारे साथ और एस के दत्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट लेकिन राइट की तरफ झुकाव। गुड मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल राहुल चक्रवर्ती आपसे है और सवाल बहुत सीधा सा, दोनों बातें जय श्री राम कहने से इंकार है दीदी को लेकिन इफ्तार से इकरार है। ये सुनिए, मैं पहले मैं ये बताना चाहता हूं, जो पहला बात तो ये है जो जय श्री राम बोलने से इनकार ऐसा नहीं है, जिस तरह से इस चीज को दिखाई दे रहा है या दिख रहा है ये बात वो नहीं है। पहला बात तो ये है जय श्री राम हर कोई कह सकता है, हम भी कह सकते हैं, हर कोई कह सकता है जय श्री राम, हम लोग क्या मर्यादा पुरुष है तो उसको ना कहने का क्या है। मगर प्रॉब्लम ये है जिस तरह से भाजपा ने जय श्री राम को यहाँ पे पॉलिटिकलाइज कर रहा है, यहाँ पे राजनीतिकरण कर रहा है। आपको याद रखना होगा इस जय श्री राम को कह के बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। आपको याद रखना होगा गुजरात में जो दंगा हुई थी वहां पे भी लगाया था नारा जय श्री राम। आज ममता बनर्जी को जो काफिले जा रहा है वहां पे आके कोई अगर जय श्री राम कह रहा है इसका मतलब ये नहीं है, जो आके यह धर्म कर रहा है, ये धर्म करने के नाते यहाँ का जय श्री राम नहीं कर रहा है, ये जय श्री राम कह रहा है इनके इंटेंशन कुछ अलग है। हम लोग को इनकार इसमें है जो जय श्री राम आप कहो जितना बार कहो जितना खुश कहो, मगर आप जय श्री राम को पॉलिटिकली यूज कीजिएगा, उसको राजनीतिकरण कीजिएगा, ये हमारा इनकार इसमें हम लोग का आपत्ति है। आपत्ति इसमें नहीं है जो जय श्री राम कौन कर रहा है, तो इसको ये परसेप्शन को चेंज करके दिखाई दे रहा है, इसको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हम लोग को बात यह है मर्यादा पुरुष राम उसको मर्यादा रख रहा है या नहीं रख रहा है भाजपा, ये सवाल उठ रहा है। तो राहुल चक्रवर्ती आपका मतलब ये है, नहीं राहुल चक्रवर्ती जो आपकी बातों से मुझे मतलब समझ में आया वो ये है जय श्री राम से आपको दिक्कत नहीं है, आपको जय श्री राम भाजपा कह रही है इससे दिक्कत है। और ये भाजपा क्योंकि लोकसभा चुनाव में 40% से भी ज्यादा वोट बैंक लेकर आ गई है वेस्ट बंगाल में और टीएमसी के पास करीब 3% वोट बैंक ज्यादा था, उससे और दिक्कत हो रही है। हालांकि मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि आपको जय श्री राम से दिक्कत नहीं है दीदी को, क्योंकि हमने देखा है पोलिटिकल। मेरा बात सुनिए मीमांसा जी, मेरा नाम मीमांसा नहीं है, अगर उसमें कोई लोक अदिति जी मैं आपको ये कहना चाहता हूं जो जय श्री राम जो कह रहा है, जो ममता बनर्जी इनका खिलाफ है, ये जो कह रहा जा रहा है ये गलत है। बात ये है जो कहीं जगह पे अगर अल्लाह अकबर कहे तो उसको इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है ये हम लोग को देखना चाहिए, चाहे वो जय श्री राम हो, चाहे अल्लाह अकबर हो, चाहे दूसरा कोई। जवाब सुनिए सर, कौन क्या करेगा वो तो अपना पर्सनल मामला है, अपना धर्म अपना साथ है, उसको राजनीतिकरण किया जाएगा। हम लोग को देखा है कि किस तरह से बौखलाहट में आ जाती है, नफरत लगाने का पहले उसको राजनीतिकरण मत किया जाए, इंसान से इंसान को विवेक मत किया जाए। राहुल चक्रवर्ती प्लीज जवाब सुनिए सर,
जवाब सुन। देखिए ममता दीदी के वीडियोस लगातार आ रहे हैं और अब तो उनके ऊपर मीम्स और वीडियोस बना करके टिकटॉक वीडियोस भी आ रहे हैं और बंगाल के ही लोग उनका मजाक बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ममता जी अगर चाहती, अगर जो राहुल चक्रवर्ती कह रहे हैं वो उनकी मंशा है तो वो इस बात का पटाक्षेप कर देती। ममता जी स्वयं गाड़ी से उतर के दो बार जय श्री राम बोल देती ना, सारे लोग खुश हो जाते, तालियां बजा रहे होते, वाहवाही कर रहे होते। देखिए इस देश में जय श्री राम भी होगा, जय मां काली भी होगा, जय मां दुर्गा भी होगा, ये तो भारत की परंपरा में रचा और बसा है। अल्लामा इकबाल ने प्रभु श्री राम को इमाम हिंद बताया, दारा सिकोह ने उन्हें ईश्वर माना, महात्मा गांधी जी की समाधि पर आज भी उनके अंतिम शब्द हे राम अंकित है। महात्मा गांधी जी की जहां भी मूर्ति बंगाल में भी होगी वहां भी हे राम लिखा हुआ है। ममता बनर्जी किस किस चीज पर बैल लगाएंगी? क्या ममता दीदी बंगाल के एक बहुत बड़े महापुरुष परमहंस रामकृष्ण जी के नाम से राम हटा देंगी? चाहता हूं जब ममता दीदी क्या क्या हटाएंगी? जिन लोगों ने सवाल ये नारा लगाया और ये सारा कुछ चल रहा है बांग्लादेशी रोहिंग्या वोट बैंक का साथ जा रहे हैं हम लोग, ममता दीदी का वोट बैंक खिसकता जा रहा है। आप वीडियो में साफ देख सकती है कि उनके अंदर नफरत बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ वो इफ्तार पार्टियों में जाती है। याद दिला दूं राहुल जी, तब आप कहां थे? आज बहुत आप मर्यादा पुरुषोत्तम की बात कर रहे हैं। जब इन्हीं ममता दीदी ने रामभूमि पर बैन लगाया, जब इन्हीं ममता दीदी ने दुर्गा पूजा में विसर्जन पर बैन लगाया, ठीक है तब कहाँ थे? एक सिर्फ सवाल करना, ये हिंदुस्तान की परंपरा है क्या? राहुल चक्रवर्ती मेहरबानी करके बता दीजिए हमको। राहुल चक्रवर्ती प्लीज सर, आपको मैंने आपके ये अदिति जी कहना चाहता हूँ सर, अगर वो इस डिबेट में सर चार गेस्ट हैं, मैं मानता हूँ हमारा सृष्टि है, इस डिबेट में कम से कम लोकतंत्र रहने दीजिए सर। मैं इस डिबेट में लोकतंत्र को खतरे में नहीं आने दे सकती सर, प्लीज सबकी बात सुनिए। एसके दत्ता चलिए ठीक है, अदिति जी बोलिए बोलिए ठीक है। अरे थैंक यू, आपने इतना तो मेहरबानी की है कि बाकी को बोलने का मौका दे रहे हैं, उसके लिए आपको शत शत नमन। क्योंकि तानाशाही ग्रुप के हैं आप लोग, ममता दीदी या फिर मुमताज दीदी कुछ भी कहिए उनको, वो इतना क्यों भौखला गई है? आप जो कह रहे हैं ना कि जय श्री राम पे कोई आपत्ति नहीं है, वीडियो उठा के दिखाइए और सारे जगत को पता चल गया है कि वीडियो में ममता दीदी ने क्या बोली है। जय श्री राम के नारे पे सीधा ऐसे गाड़ी से ऐसे कूदी है, कूद के बोलती है धौड़ इगलो के धौड़, गाली गलौज दिच्छे। जय श्री राम उनको गाली लगता है और जो लोग जय श्री राम बोल रहे हैं उनको पकड़ने की आदेश दे रहे हैं। उसके साथ कह रहे हैं कि ये बाहर के हम लोग अंदर के, इनका पूरा तफ्तीश किया जाए, इनका सारा पहचान पत्र का तफ्तीश हो, कहाँ रहते हैं, किस मोहल्ले पे रहते हैं वो जरा पता लगाया जाए। तीसरी बात ये बात कहती है कि इन लोगों को हम लोग जो इतने उदार है उसके चलते ये लोग रह रहे यहाँ पे, जे दिन हमी चाहिए से दिन तो दे दुर्दशा होवे, ये बात तो ममता दीदी कह रही है। मेरे मेहरबानी के चलते तुम लोग यहाँ पे हो, जिस दिन मैं चाहूंगी तुम लोगों को आता पता नहीं पता चलेगा। ये सारी चीजें वीडियो पे आई है, कौन सा दुहाई दे रहे हो आप आज के डेट में? आज आप लोग इसलिए यू टर्न मार के कल्टी मारे हो क्योंकि आप लोग फंस गए हो इस चीज पे, फंस गए हो। पहले तो आप लोगों को दुर्गा माई की जय पे आपत्ति थी, जय मां काली पे आपत्ति थी, पाबंदी लगाते थे भाषण पे, और आज जय श्री राम पे आपत्ति होने लगा। ठीक ठीक, आपको तो निरपेक्ष बात करना चाहिए, तो भाजपा का टैग लगा लीजिए। मैं राइट विंग के हूँ और गट सके तू, आप एक टैग लगा लीजिए भाजपा का प्रवक्ता बोल के। होते कौन है ये बताने वाले? एसके दत्ता होते कौन है? एसके दत्ता एक सेकंड रुक जाइए, एसके दत्ता एक सेकंड रुक जाइए। राहुल चक्रवर्ती ये तो गलत बात है। राहुल चक्रवर्ती आपने मेरे इंट्रोडक्शन में क्लियरली सुना नहीं सर, प्लीज सुनिए मेरी बात। भाजपा के प्रवक्ता राहुल चक्रवर्ती, मैंने क्लियरली बोला पॉलिटिकल एनालिस्ट झुकाव राइट विंग की तरफ, कुछ भी नहीं। आप प्लीज निजी कमेंट मत कीजिए, प्लीज निजी कमेंट मत कीजिए, क्योंकि मैं ये मानती हूं जब लोग निजी टिप्पणी पर आते हैं तब उनके पास लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाती है। प्लीज आर्ग्यू कीजिए, मुद्दे पर कीजिए। आशुतोष मिश्र जल्दी से आपका कमेंट सर, तुष्टिकरण से बचेगा वेस्ट बंगाल? और तो कोई तरीका दिख नहीं रहा इस समय। देखिए अभी मेरे को पैनलिस्ट ने कहा कि गांधी जी भी की समाधि पे लिखा हे राम और उनके अंतिम शब्द थे हे राम। उनके अंतिम शब्द हे राम इसलिए थे कि उनको गोली मारी थी भाजपा, जिनको देशभक्त कहती है गोडसे ने, तो उनका वो कराहट थी, दर्द की भरी एक वो हे राम था कि अब मेरे देश का क्या होगा।
यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं। बात आते हैं बंगाल पे वापस, तो डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि सावरकर चाहते हैं, उनका राजनीतिक लक्ष्य था कि मुसलमान भारत में द्वितीय श्रेणी के नागरिक हों, और इसीलिए मोदी सरकार पाकिस्तान में तो इफ्तार पार्टी करती है, लेकिन अगर ममता बनर्जी इफ्तार पार्टी में चली जाएं तो वो पाप है, तो फिर वो तुष्टीकरण है, और तरह तरह के उनपे लांछन लगाए जाते हैं। आशुतोष मिश्र, आशुतोष मिश्र, एक सेकंड, एक सेकंड सर, लेट्स गेट फैक्ट्स, तो गांधी तो ईश्वर अल्लाह थे, एक ही उसमें था सर। सुनिए मेरी बात प्लीज, तथ्यों पे बात करते हैं। मेरी डिबेट सावरकर पर नहीं है, मेरी डिबेट वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है उस पर है, ये क्लैरिटी मैं आपको दे दूं। और दूसरी बात, आपको तथ्यों को लेकर ऐसा क्यों लगता है कि आप बहुत सिलेक्टिव है? जरा जय श्री राम वाला जो वीडियो है वो मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी अगर हम उसको प्ले कर पाए एक बार फिर से, हमारे आशुतोष, हमारे जो गेस्ट हैं आशुतोष मिश्र साहब, उनकी मेमोरी को थोड़ा सा हम रिफ्रेश कर दें। सर तो आपको सुनाई देगा कि जय श्री राम के नारों पर ममता बनर्जी को काफी गुस्सा था, वो खाल उधेड़वाने वाली तक की बात कर रही थी। सर सुन लीजिए, सुनवा दूंगी मैं आपको, वो खाल उधेड़ लेंगे ये तक कहा था उन्होंने। आपको उस पर आपत्ति नहीं है? आपको बीजेपी याद आ रही है इसमें सर? आपको लोगों को अपनी धार्मिक आस्था को प्रैक्टिस करने की जो गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है उसका उसकी याद नहीं है सर आपको? जय श्री राम, आप ये अदिति, हम ये डिबेट पहले भी कर चुके हैं और साफ मैंने उसमें कहा था कि जय श्री राम का नारा जो जब जहां चाहे अगर धार्मिक भावना से लगा रहा है तो उसको उस पर रोक करना अनुचित है, और ममता बनर्जी और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों जो है एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं और यही दिक्कत है। अगर आप बंगाल में भी देखें तो बंगाल में भी जो भाजपा है वो बहुत सारे सीपीएम और टीएमसी के ही लीडर्स को ले रही है, वहां पे कोई भाजपा जो अपने को एक सिद्धांतवादी पार्टी कहती है वहां उसका अपना कैडर नहीं है। अर्जुन सिंह का नाम ले लीजिए, अर्जुन सिंह का जो है बड़े दबंग तानाशाही मौत कांग्रेस से लोग भाग रहे हैं ना, तानाशाही मौत कांग्रेस से लोग भाग रहे हैं, त्राही माम करके भाग रहे हैं, दहशतगर्दी है वहाँ पे, तालिबानिज्म है तानाशाही मौत कांग्रेस के अंदर, तानाशाही मौत कांग्रेस यानी कि टीएमसी, और इसीलिए त्राही माम होके लोग भाग रहे हैं। सब पता चल गया ना, अब तो हर चीज पता करके बैठे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको यहाँ पे जीवन के लिए ना कोई तनाशाही चल रहा है ना कोई झमेला चल रहा है, ये सब मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं आप लोग, कहानी आप लोग बेकार बकवास कर रहे हैं। पहला बात तो ये है आप लोग यहाँ कम्युनल जो हारमोनी है उसको डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, आप जय श्री राम नारा लगा के हर तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस को हत्या लेना चाह रहे हैं। अरे राहुल जी नहीं, एक बात आपको याद दिला दूं, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल है जिसमें ममता जी भाजपा लगा के यहाँ पे वायरल करके जो लगाना चाह रहे हैं इसका पत्तियां बना रही हैं, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस प्रकार की गिरी हुई हरकत शोभा देती है क्या? आप जय श्री राम एक धार्मिक भावना लेकर कहिए दीदी के लिए जय श्री राम, कहिए अल्लाह अकबर, रिलीजियस जो जय श्री राम कहना चाहते हो जय श्री राम कहेंगे, बोलिए क्या तकलीफ है, अल्लाह अकबर बोलिए, बुर्का पहनिए, वो पठानी जरूर कहेगी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, दीदी कान में लगा के रख दे आजान के चीज है, और 24 घंटा वक्त में से सेम होगा, कोई राहुल चक्रवर्ती, देखिए मैं जानती हूँ बीजेपी की आईटी सेल बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्लीज जय श्री राम के वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं वो भी मुझे समझ में आता है, लेकिन राहुल चक्रवर्ती मुझे ये भी समझ में आता है कि चुपचाप फूले छाप से ममता दीदी डर गई है, मुझे ये भी समझ में आता है, और उसको लेकर आपके पास जवाब नहीं है। बीजेपी ने जो 40% वोट निकाला है वो दीदी को डरा रहा है, 3% का फासला रह गया वो दीदी को डरा रहा है, और इसीलिए सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस सब के बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मनोज तिवारी, ये कह रहे हैं कि ममता दीदी अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है, वो संस्कृति की धरती पर श्रीराम के नारों को रोक देंगी, ये सिर्फ उनका वहम ही हो सकता है, क्योंकि पूरा बंगाल ये ठान चुका है कि ममता से पश्चिम बंगाल को मुक्त कराना है, और यही बेचैनी ममता दीदी को खाई जा रही है। क्या कह रहे हैं मनोज तिवारी, सुनिए आप। देखिए ममता दीदी ऑलमोस्ट अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है,
वो यहां तक जब पहुंची है ना, तो उनको याद करना चाहिए कि उनका सफर यहां तक कैसे आया है। और आप संस्कृति की धरती पश्चिम बंगाल में श्री राम के नारों को रोक देंगी? आप माँ काली के, माँ दुर्गा के पूजा को, नाम को लेने वालों को रोक देगी? ये सिर्फ और सिर्फ उनका वहम है। पूरा पश्चिम बंगाल ठान चुका है कि ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल को मुक्त कराना है, और यही बेचैनी ममता दीदी को खाए जा रही है। और बार बार हम इस खबर के सारे फैक्ट्स आपके सामने रख रहे हैं। खिसकता हुआ वोट बैंक, पॉलिटिकल पंडित्स कहते हैं कि जो लेफ्ट का वोटर था वो बीजेपी की तरफ जा रहा है, और वो भी ममता दीदी की चिंता बढ़ा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जय श्री राम पर ममता दीदी ने खुद मुसीबत को न्योता दिया है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक्शन की बात की उन लोगों से जिन्होंने ये चांट किया, जिन्होंने जय श्री राम कहा, उसके बाद दीदी मुश्किल में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल लो चलिए। तो एक तरफ जय श्री राम पर ममता बनर्जी को आपत्ति है, तो दूसरी तरफ वो पूरी अपनी हार का ठीकरा फोड़ रही हैं ईवीएम पर। वो कह रही हैं कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होना चाहिए, और इस पर बीजेपी का क्या रिएक्शन है वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ममता की पूरी सोच लाइट युग को खत्म कर लालटेन युग में ले जाने की है। मुख्तार अब्बास नकवी ये भी कहते हैं कि ममता बनर्जी के राज में पहले सड़कों पर दंगे हुए, फिर श्री राम से पंगा हुआ, और अब ईवीएम पर हंगामा शुरू हो गया। सुनिए क्या कह रहे हैं। देखो, ये पहले जो है सड़कों पे दंगा, फिर बाद में भगवान राम से पंगा, और अब जो है वी ईवीएम पे लेकर के हंगामा। तो ईवीएम की जो विलाप मंडली है चुनाव के बाद इतनी खामोश हो गई थी कि मुझे भी आश्चर्य हो रहा था कि ईवीएम को लेकर जितना इन्होंने धमाल और हंगामा किया था, ये चुपचाप क्यों है, खामोश क्यों है। तो अब ये निकल के बिल से बाहर आए हैं कि साहब ये जो हमारी हार हुई है, जो जनादेश जनता ने दिया है मोदी जी को, ये तो जनादेश जो है वो ईवीएम की वजह से मिल गया। रिसर्च टीम लगा दी थी उन्होंने पूरी, कि उसकी खोजी दस्ता घूम रहा था कि भाई कहाँ से कुछ निकालो। तो जब कुछ नहीं निकला तो फिर जो है वो हवा हवाई बयानबाजी। तो इनकी कोशिश ये है कि सब ईवीएम खत्म करो और बैलेट पेपर फिर से लगा दो। तो ये वो स्थिति है कि जो लाइट का युग है उसको खत्म करके लालटेन युग को शुरू कर दो। तो 2014 से 2019 के बीच भी आपने कई बार सुना है पीएम से हारे तो ईवीएम के सहारे, और ममता बनर्जी एक बार फिर से अपने ईवीएम राग पर लौट आई हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन बड़ी बहस ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगी। तो बड़ी बहस इसी बात पर कि ममता को जय श्री राम पर तकरार है, लेकिन इफ्तार से उन्हें कोई एतराज नहीं है। इसे आप तुष्टीकरण की सियासत कह लीजिए, इसे आप बीते चुनावों में, लोकसभा चुनाव में टीएमसी की परफॉर्मेंस कह लीजिए, प्रदर्शन कह लीजिए, मुस्लिम बहुल सीटों पर, कुछ भी हो, ममता दीदी तुष्टीकरण की सियासत पर ही आगे बढ़ती दिखाई देती हैं। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन राहुल चक्रवर्ती, बैलेट पेपर पर वापस लौटने की बात करना, ममता बनर्जी उस जनादेश पर सवाल उठा रही हैं जिसमें, जो कि लोकतंत्र का बेसिक है, फाउंडेशन है, जनता अपना फैसला सुना चुकी है। वो बात और है कि उसका फैसला 40% वोट बीजेपी को देता है, लेकिन उसके बाद ईवीएम पर सवाल खड़े करना, सर ये तो वोटर का अपमान है। देखिए अदिति जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो ये जो आप ममता बनर्जी के बारे में ये उठा रही है सवाल, उसमें आप अगर कल देखिएगा 23 एक साथ पॉलिटिकल पार्टीज है जो जाके ईवीएम का खिलाफ जाके सवाल किया था। वीवीपैट में हम लोग को 100% वीवीपैट का मांग की थी। ये ममता बनर्जी अकेली हुआ नहीं थी, वहां पे 23 पॉलिटिकल ऐसा पार्टी थी जो विरोधी पक्ष थे, जाके सवाल किया था। तो आप ये खाली ममता बनर्जी के बारे में कहेगी ऐसा बात नहीं है। दूसरी बात ये है, सर मैं ये खाली ममता बनर्जी के बारे में नहीं कह रही हूँ, ये मैं उन लोगों के बारे में कह रही हूँ जो हार नहीं पचा पाते हैं। सर ये वो पार्टियां हैं जो जब चुनाव जीत जाती हैं तो ईवीएम में कोई खोट नहीं होता है, और जब हार जाती हैं तो ईवीएम में खोट दिखाई देने लगता है। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती ना। देश की सर्वोच्च अदालत इसे हमेशा के लिए सेटल कर चुकी है। ऐसा बहुत सारे वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन में, आप मेरा बात सुनिए, ऐसा बहुत सारे वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन में जहां का आप नजर देखिएगा, आप परसेंटेज ऑफ वोटिंग देखिएगा, अगर वो देखिएगा और जहां जितना वोट दान हुआ है उसको नजर कीजिएगा, देखिएगा बिस्तर फर्क है उसमें। तो वेबसाइट गलत बोल रहा है या ईवीएम गलत बोल रहा है, ये सवाल तो उठ रहा है। ऐसा बहुत सारे जगह है जो अगर ईवीएम का आप काउंट कीजिएगा और वेबसाइट का रिजल्ट काउंट कीजिएगा, उसमें बहुत से फर्क है। जैसे कि उसको इलेक्शन जैसे कि हो सकता, मगर ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं नहीं सर, एग्जांपल दीजिए आप मुझे, आप मुझे फैक्ट्स पर ऑन रिकॉर्ड एग्जांपल दीजिए। 9 लाख 9 करोड़
आप लखनऊ में देखिए, आप लखनऊ में देख लीजिए, क्या लखनऊ में, कहीं भी देख लीजिए, बहुत सारे क्या लखनऊ में देखूं सर, मैं लखनऊ में क्या देखूं सर, वेबसाइट का रिजल्ट क्या देखूं कि राजनाथ सिंह हार रहे थे और जीत गए, बहुत फर्क है, नहीं क्या क्या फर्क है सर, प्लीज गिव मी द डेटा, आई विल हियर यू आउट, गिव मी द डेटा, टॉक टू मी ऑन फैक्ट्स, या तो इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट गलत है, नहीं क्या गलत है, पर इलेक्शन साइट सर लखनऊ का डिटेल दीजिए ना आप मुझे, इसलिए हम लोग का ये मांग है जो कुछ भी मत बोल के बच निकलने की कोशिश कीजिए, कुछ भी अनर्गल आरोप लगा के मैं भागने नहीं देती हूँ, फैक्ट्स पे बात करती हूँ, आप एग्जांपल दीजिए मुझे, रखिए रिकॉर्ड पे रखिए, हमारे करोड़ों व्यूअर्स को बताइए कैसे लखनऊ की सीट पर खोट हुआ है, लखनऊ की सीट पर क्या आप कहना चाह रहे हैं बोलिए, मैं देती हूँ आपको मंच, बोलिए डिटेल के साथ बोलिएगा सर, बोलिए कौन सा बताइए, कौन सा मैं सुना नहीं दिया सर, मैं लखनऊ सीट पर बात कर रही हूँ, अभी आपने लखनऊ सीट का एग्जाम्पल दिया ना मुझे कि उसमें घालमेल उसमें गड़बड़ हुई है, आप मुझे एग्जाम्पल दीजिए ना सर, करोड़ों दर्शक आपको सुन रहे हैं, करोड़ों दर्शक सुन रहे हैं, मैं जानती हूँ सुप्रीम कोर्ट इसे सेटल कर चुका है, चुनाव आयोग इसे सेटल कर चुका है, एक नया आरोप आज आप लेकर आए इस डिबेट में, बोलिए लखनऊ सीट पर क्या गड़बड़ हुई है बताइए आप हमारे दर्शकों को, आंकड़ा रखिए, रखिए आंकड़ा, मैंने तो आपको सीधा कह रहा हूं अदिति जी, ऐसा बहुत सारे जगह है जैसा लखनऊ में है, आप वेबसाइट का रिजल्ट आपको देखिए, वेबसाइट में जो दिखाई दे रहा है उससे ईवीएम का रिजल्ट में सर खोलिए आप, क्यों है नहीं, हम लोग सवाल करना चाह रहे हैं सर, आप जिससे बात कर रहे हैं ना, एक सेकंड रुक जाएगा, एक सेकंड जलेबियां सर, एक सेकंड रुक जाएगा, मैं जानती हूँ कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, मैं तो नाम ले रहा हूँ लखनऊ देखिए सर, आप डेटा तो दे नहीं पा रहे सर, हाँ मेरी डिबेट में नेक्स्ट टाइम आइएगा ना राहुल चक्रवर्ती, जो भी आरोप लगाइएगा आंकड़ा लेकर आइएगा उसका, और ये जो व्हाट्सएप पढ़कर आपने इतने रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म पर ये आपने अपना शिगुफा छोड़ा है सर, नेक्स्ट टाइम फैक्ट्स लेकर आइएगा, जयराम विप्लव उसको वैसे उस खबर को फर्जी बता दिया गया था, व्हाट्सएप पे जो मैसेज सर्कुलेट हुआ था ना उस पर क्लैरिटी आ गई थी कि ये फर्जी है, जी मैं इनके सारे सवालों को फैक्ट से अभी धराशायी कर देता हूं, 542 लोकसभा सीटों के 4125 मतदान केंद्रों पर 20,625 वीवीपैट मशीनें लगी थी और उन मशीनों के मिलान में 0% का कोई अंतर नहीं आया, कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई, ये सुप्रीम कोर्ट ने इनके अंतर बहुत जगह है और पानी का पानी कर दिया, अरे मैं चैलेंज देता हूं आपको, अगर वीवीपैट 20,625 मशीनों के एक आंकड़े में कोई अंतर हो आप आ जाइएगा दिल्ली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जहां चैलेंज है आपको आप वहां जाइए और ये साबित करके दिखाइए, देखिए समस्या क्या है अदिति जी, 2016 में यही ममता बनर्जी विधानसभा साबित करेंगे क्या हो रहा है, आप मानना नहीं चाह रहे आपका बात, उस किस रास्ते जीत करके आई ईवीएम मशीनों के माध्यम से, आप कहने से तो ये बदल नहीं जाएगा, पार्टियां जो इसका क्लेम लेकर के पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग वो सब के सब कभी न कभी कोई न कोई चुनाव ईवीएम मशीन के माध्यम से जीते हैं, और मैं चैलेंज देता हूं ये जिस धरना प्रदर्शन और आंदोलन की बात कर रहे हैं क्यों नहीं अपने जीते हुए सांसदों का इस्तीफा कराएं, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि हम इस जनादेश को नहीं मानते हैं, हम जनता के जनादेश को अरे हम लोग भी तो चैलेंज कर रहे हैं, आप काम कीजिए ना, ईवीएम रोना रोइए, वेबसाइट का रिपोर्ट निकालिए ना, अच्छा अच्छा घटक लिया कड़वा कड़वा टूटू ये नहीं चलेगा, और दूसरी चीज वेबसाइट का सारी कवायद इसलिए है आप चैलेंज कर रहे हो, लगता है कि किसी प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठ निकालिए आप रोहिंग्या घुसपैठ वोट इंटेक्ट कर सके इसके लिए ममता बनर्जी किसी हद तक जा सकती है, तो ईवीएम पर विलाप मंडली एक बार फिर से बिल से बाहर निकल आइए, ये स्टेटमेंट बार बार आपको हम दिखा रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी का, लेकिन ऐसे दत्ता जहां पर अभी जयराम ने बोला क्या है आपका राहुल चक्रवर्ती, राहुल चक्रवर्ती राहुल चक्रवर्ती जो आप आरोप लगा रहे थे वो मैं जानती थी व्हाट्सएप पे सर्कुलेट की गई फर्जी खबर थी, ठीक है फैक्ट पर बात कीजिएगा, लेकिन एसके दत्ता जहां पर जयराम विप्लव ने छोड़ा मुस्लिम वोटर्स को लेके रोहिंग्यास को लेके ये डेटा है करीब 10% ओके ओके प्लीज प्लीज लोकतंत्र मेंटेन करने दीजिए, वेस्ट बंगाल में दीदी हमेशा कहती है खतरे में आ जाएगा सर, मैं यहां पे खतरे में भी नहीं आने दूंगी, 10 सीट्स ओवर 20% मुस्लिम पॉपुलेशन, इसमें से 6 सीट टीएमसी के पास 2 सीट बीजेपी के पास, यही बता रहा है ना क्यों इफ्तार से इंकार नहीं दीदी को, इसी को कंसोलिडेट करना चाहती है ना वो, बेशक अदिति जी, और इसीलिए कंसोलिडेशन क्या ओवर कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रही है,
पर दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ता है कि ममता दीदी अपने ओवर कंसोलिडेशन के होर में उनको जमीन दिखाई नहीं दे रहा है कि किस तरह से जमीन खिसक रहा है। पौधेर हवाए दिखाई तो दे रहा है उनको, दिखाई दे रहा है उनको, क्लियरली दिखाई दे रहा है, तभी तो बौखलाई हुई है। एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे इतिहास का एक बहुत प्रसिद्ध कहानी याद आती है, जब रोम जल रहा था ना तो राजा नीरो वायलिन बजा रहा था और जलता हुआ रोम में वो खुद ही जल गया। यही हकीकत बंगाल में हो रहा है, बंगाल जल रहा है। दीदी क्या कर रही है, ऑपोजिशन के जितने सारे ऑफिसेस है उसको पेंट कर रही है टीएमसी के साथ। सीएम होने के नाते यही काम रह गया उनका, अब मतलब कि दूसरा काम तो है ही नहीं। बाकी सारी चीजों पे फेल हो गए, एफडीआई पे फेल हो गए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट पे फेल हो गए, एफआईआई पे फेल हो गए, बेरोजगारी पे फेल हो गए, तमाम चीजों पे फेल है। पूरा जो इनका मॉडल है वो फेल का पुलिंदा है। तो आप व्हाइट वॉश कर रही है तमाम जितने सारे ऑफिसेस, वही काम उनका रह गया है। ठीक आशुतोष मिश्रा, वोटिंग परसेंटेज आशुतोष मिश्रा, वोटर अपना फैसला वोटर सुना चुका फैसला है, सुना चुका है, कमल खिल चुका है सर। ठीक ठीक ठीक, चुपचाप कमल छाप हो गया, चुपचाप कमल छाप हो गया राहुल चक्रवर्ती, दीदी को भी पता है हो गया ये। आशुतोष मिश्र, 2019 के वर्डिक्ट की बात लोग बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जात धर्म वर्ग विशेष की दीवार को ध्वस्त कर दिया इस बार के मैंडेट ने, लेकिन लग रहा है पॉलिटिकल पार्टी ये सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। ये आपका एनालिसिस है, बट हम लोग ईवीएम की बात कर रहे थे तो ईवीएम के विवाद पे 56% वोट मिलना, ये मेरा एनालिसिस कहा था कि औजार जातिगत राजनीति में अभी भी कामयाब हो रहा है, कैसे का सदुपयोग या दुरुपयोग। दुरुपयोग एक भी तो दुरुपयोग साबित नहीं कर पाए, लगातार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा के भगाया है आप लोगों को। जब जब ईवीएम का शगुफा लेके गए सुप्रीम कोर्ट के पास, पहला क्लेम राहुल गांधी जी को अमेठी में करना चाहिए। आशुतोष जी, जयराम विप्लव, एक सेकंड चुप हो जाइए। अदिति, ये तो आपका यहाँ जो है प्रजातंत्र समाप्त हो रहा है, शोर ये आशुतोष जी आप सुनते नहीं है ना, सिलेक्टिव हियरिंग का प्रॉब्लम है, आपने सुना नहीं। मैंने दोनों गेस्ट को शांत किया, आप वो सुनेंगे नहीं क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते, आपके आर्ग्यूमेंट को सूट नहीं करेगा। बात पूरी कीजिए। मैं सब सुनता हूँ, मैं सब बात पूरी कीजिए सर। आप दूसरे के बात पूरी कीजिए सर। बात तो प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि औजार का सदुपयोग या दुरुपयोग डिपेंड करता है कारीगर पे, जिसका मतलब बड़ा स्पष्ट है, मतलब प्रणब मुखर्जी की कही हुई बात है, मेरी नहीं। इससे बड़ा स्पष्ट है कि सवाल ईवीएम पे नहीं है, जो ईवीएम को जो लोग हैंडल करते हैं उनकी नियत पे है। आप कहेंगे कि नियत पे मैंने प्रश्न क्यों उठाया, क्योंकि असम के भूतपूर्व डीजीपी हरि कृष्ण डेगा, मैंने इनका नाम पहले भी आप लिया डेका, उन्होंने अप्रैल में जो है जब वोट डाला बाहर निकल के उन्होंने जो है मीडिया को बताया था कि मैंने जिस बटन पे वोट दबाया था वो वीवीपैट में नहीं निकला। जब मैं शिकायत करने गया तो जो चुनाव आयोग के जो भी वहां पे ऑफिशियल थे उन्होंने कहा कि अगर आप शिकायत करेंगे और वो गलत पाई गई तो आपको 3 महीने तक की जेल हो सकती है, तो उन्होंने शिकायत ही नहीं दर्ज करी। तो ईवीएम एकदम जो है में कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती, ये कहना तो अनुचित है क्योंकि ये तो एक भूतपूर्व आईपीएस अफसर अपने आंखों देखी कह रहा है। अच्छा, इसलिए यहाँ पे ये हर बार मान लेना कि ईवीएम के थ्रू जो नियत जो सर, आप पूर्व आईपीएस अधिकारी पर यकीन करते हैं, मैं देश की सर्वोच्च अदालत पर यकीन करते हैं। अपने तो लोग होते नहीं है, सुनिए सर, आप पूर्व आईपीएस अधिकारी पर यकीन करते हैं, मैं देश की सर्वोच्च अदालत पर यकीन करती हूँ, मैं इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पर यकीन करती हूँ, मैं ये मानती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को जीत और हार दोनों को कबूल करना आना चाहिए, क्योंकि इस लोकतंत्र में लोक का तंत्र है, जन का तंत्र है, पांच किया था, और जनता का जो फैसला है उसे एक्सेप्ट करना आना चाहिए। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत डिबेट्स कर चुकी हूँ मैं ईवीएम पर, वही पुराना राग, सुप्रीम कोर्ट हजार बार बोल चुका है, वीवीपैट का मिलान किया गया, कोई त्रुटि नहीं पाई गई, कोई कमी नहीं पाई गई, और इसी के साथ मैं अपना आर्ग्यूमेंट भी रेस्ट करती हूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद बड़ी बहस आपको दिखाएंगे, यूपी में चुनाव के बाद दुश्मनी पार्ट 2।